हाय एवरीवन, स्वागत है आप सबका हमारे यूट्यूब चैनल में। तो दोस्तों, आज की वीडियो में आपको बताऊंगा आप यहाँ पर अमेजॉन फ्लिपकार्ट जैसी साइट पे शॉपिंग समय आपको यहाँ पर जो भी प्रोडक्ट आपके मनपसंद का प्रोडक्ट लेना है उसका प्राइस सेल में आप यहाँ पर कम होने का वेट करते हैं। और यहाँ पर कभी कभी क्या होता है कि आप जो कम प्राइस में प्रोडक्ट लेना चाहते हैं वो प्राइस कम होकर यहाँ पर ज़्यादा भी हो सकती है, मतलब आपको यहाँ पर पता भी नहीं चलता है। तो आज की शुरू में बताऊँगा कि आपको यहाँ पर जैसे आपके जो भी प्रोडक्ट आप मनपसंद लेना चाहते हैं अभी इस समय उसकी प्राइस हाई है तो आप यहाँ पर कम होने का इसका अलर्ट लगा सकते हैं। और सिंपली अलर्ट के आप पता लगा सकते हैं कि एक्चुअल हमें जितने प्राइस में यहां पर उसको लेना है वो सिंपली अलर्ट आपको बताएगा कि यहां पर आपका प्रोडक्ट का प्राइस कम हो चुका है। तो सिंपली आप यहां पर अमेज़न या कौन सी भी साइट पर जाकर सिंपली बाय कर सकते हैं। तो बेसिकली इसके लिए आपको एक एप्लीकेशन डाउनलोड कर देना है जो कि प्ले स्टोर पर आपको मिल जाएगा प्राइस हिस्ट नेम से। इसको ओपन कर देना है, सिंपली आपने ईमेल आईडी से इसको लॉग इन कर देना है, उसके बाद सर्च वाले बटन पर क्लिक कर देना है। अभी मान लीजिए ये वाला प्रोडक्ट हमको यहाँ पर उसका ट्रैक कर देना है कि उसका प्राइस लास्ट टाइम कितना था और हाईएस्ट कितना है लो कितना है। तो इस सिंपली उसको कॉपी कर देना है यूआरएल, जैसे हम कॉपी करेंगे तो बेसिकली ये वाले साइट पर एप्लीकेशन ओपन करने के बाद सिंपली इस वाले ऑप्शन पर जाके पेस्ट कर देना है। तो देख सकते हैं कि यहाँ पर देख सकते हैं अभी प्राइस 199 चल रही है और यहाँ पर नीचे आपको एक ग्राफ मिलेगा कि कितना दिन पहले इसका प्राइस कम हो गया था, ज़्यादा हो गया था, सब कुछ यहाँ पर पता लगा सकते हैं। तो डेट वाइज भी आप पता लगा सकते हैं, देख सकते हैं कि यहाँ पर नीचे आपको यहाँ पर लो कितना हो गया था, हाई कितना हो गया था, सब कुछ यहाँ पर पता लगा सकते हैं। मान लीजिए अभी 199 में यहाँ पर उसका प्राइस है, अभी आपको यहाँ पर ज़्यादा से ज़्यादा कम प्राइस में लेना है तो वो मान लीजिए 150 रुपये में लेना है। कभी कभी क्या होता है कि 150 रुपये पर उसका प्राइस आ भी जाता है और आप यहाँ पर रेगुलरली चेक नहीं करते हो तो सिंपली स्टॉक आउट हो जाता है और प्राइस बढ़ जाती है। तो इसके लिए आप इसको भी अलर्ट लगा सकते हैं। तो नीचे आपको एक बेल का ऑप्शन मिलेगा, यहाँ पर क्लिक कर देना है, सेट अलर्ट पर क्लिक कर देना है। अभी 199 चल रहे तो मान लीजिए 170 में आपको परचेस करना है तो सेव अलर्ट पर आपको यहाँ पर क्लिक कर देना है। अभी आपको इसके लिए क्या कर देना है, 30 सेकंड का एड आपको प्ले कर देना है, उसके बाद ये आपको यहाँ पर यूज़ कर सकते हैं। तो फिर जैसे यहाँ पर 30 सेकंड आप वेट करते हैं रिवार्ड जनरेटर का ऑप्शन मिलेगा, आपको यहाँ पर एड स्किप नहीं करना है, पूरा ऐड देखने के बाद रिवार्ड जनरेटर पर क्लोज वाले ऑप्शन पर आपको क्लिक कर देना है। उसके बाद हमारा जो प्राइस अलर्ट है वो सक्सेसफुली हो चुका है। अब जैसे यहाँ पर जो आपने प्राइस सेलेक्ट किया है वो वहाँ पर आ जाएगा तो सिंपली आपको बताएगा कि अलर्ट में मतलब यहाँ पर बजर वगैरह बजेगा, उसके बाद आपको पता चलेगा कि अपना जो प्रोडक्ट का जो हमने प्राइस रखा था उस प्राइस रेंज में उसका प्राइस आ चुका है। तुरंत ही आपको यहाँ पर अमेज़ॉन कौन से साइट से लिंक लिया था वहाँ पर जाके सिंपली बाय कर देना है। तो इसी तरह आप यहाँ पर इजीली पता लगा सकते हैं। अभी ये जो साइट है हर जो शॉपिंग साइट है यहाँ से आपको लिंक कॉपी करके यहाँ पर पेस्ट कर देना है। यहाँ पर अलर्ट वाले ऑप्शन पर जाके सिंपली इसका स्टेटस भी आप चेक कर सकते हैं। तो फ्रेंड, इसी तरह यहाँ पर आप जो भी प्रोडक्ट लेना चाहते हैं उसका एक्चुअल प्राइस कितना है, आने वाले समय में कम हो जाता है कि नहीं, सभी का प्राइस अलर्ट यहाँ पर लगा सकते हैं। तो फ्रेंड्स, आज के समय में इतना ही, मिलते हैं अगले में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।